आपने कभी सोचा माला में 108 दाने क्यों होते हैं? 111 क्यों नहीं, 110 क्यों नहीं, 108 ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत सुंदर गणित है। जप करने वाले व्यक्ति का परम हित हो उसके लिए, माला में 108 दाने रखे गए हैं। एक सौ आठ दानों की माला द्वारा गुरु मंत्र का जप करना मानो दुनिया की तमाम वस्तु व्यक्ति अवस्था को अपने अनुकूल बनाना, और माला से जप करने पर केवल वस्तु व्यक्ति अवस्था ही अनुकूल होती है ऐसी बात नहीं है। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र के चार चार चरण गिनो, तो 27 चौक 108, 27 का 4 गुना 108 हुआ। दुनिया में सब लोगों के नाम 108 अक्षरों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। आ ई आदि जो क ख ग, इसके अंदर आ जाते हैं सबके नाम। बच्चा जन्मता है तो नहीं पंडित लोग जन्म पत्री बनाते हैं, राशि के हिसाब से नाम रखते हैं, तो 27 नक्षत्र और उनके अधिष्ठाता 27 देवता, 12 राशियां और 12 राशियों के स्वामी और 9 ग्रह ग्रहों के स्वामी, सब 108 मनके की माला लेकर जप करने वाले के अनुकूल बनते हैं। जापक और कोई इधर उधर की बात न सोचकर अपने जप में पक्का रहे। कई साधकों को जो अनुभव होते हैं गुरु कृपा के, वो अनजाने में जप करते करते शांत हो जाते हैं और कोई इधर उधर की बातें नहीं सोचते हैं, तो फिर ये चक्र चल जाता है। 27 नक्षत्र उनके स्वामी, 12 राशियां उनके स्वामी, 9 ग्रह उनके स्वामी, सब जापक पर खुश हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं को जप प्रिय है, तो जिस मनुष्य को जप प्रिय है वो ईश्वर को प्रिय हो जाता है, गुरु को प्रिय हो जाता है, और स्वाभाविक उसके जीवन में से दुख अशांति रोग आदि दूर होंगे। अब देखो 27 नक्षत्रों में पहला अश्विनी नक्षत्र लें तो उसके स्वामी हैं अश्विनी कुमार और वो हैं आरोग्य के देवता। साधक गुरु मंत्र का जप तल्लीन होकर करता है तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार परम प्रसन्न होते हैं कि ये सदगुरु का दिया मंत्र जप कर रहा है, और उस आदमी के रोग नष्ट होते हैं, आरोग्य बढ़िया रहता है। तरतीव्र प्रारब्धवश कोई रोग अगर आए भी तो वो रोग परेशान करने वाला नहीं होगा, थोड़े समय में औषधि लेंगे मिट जाएगा। यही कारण है कि कई साधकों के असाध्य रोग मिट गए, किसी की किडनी खराब थी ठीक हुई, किसी को कैंसर था ठीक हुआ, किसी को हार्ट की तकलीफ थी ठीक हुई। जितना जो व्यक्ति प्रहलाद की तरह जप करने में पक्का है, इसलिए तुलसीदास जी ने जप करने में किसी की उपमा अगर दी
तो प्रहलाद जी की उपमा दी कि प्रहलाद की तरह जप करो। जापक जन प्रहलाद जिनी, तुलसीदास जी ने कहा रामन। तो दूसरा है भरणी नक्षत्र, और भरणी नक्षत्र के स्वामी है यमराज। गुरुदेव के श्रीमुख से मंत्र लेकर जो जप करते हैं भक्ति भाव से, ऐसा भक्ति भाव के जप करते करते दिल भर आए, आंख भर आए, तो भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज खुश होते हैं, अकाल मृत्यु से भक्त को जापक को बचाते हैं। एक बार किसी ने मुझे कहा कि कई बार ऐसा भी तो देखा जाता है कि अच्छे अच्छे लोग दुनिया से जल्दी चल जाते हैं, मर जाते हैं। विवेकानंद कितनी छोटी उम्र में चले गए, स्वामी रामतीर्थ कितनी छोटी उम्र में चले गए, तो ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई ये तो विधाता का विधान, सबका अपना अपना प्रारब्ध, पर हाँ इसको एक सरल शब्दों में अगर कहूँ तो अच्छे लोगों की जरूरत हर जगह होती है। ईश्वर को भी ऐसे लोग पसंद आते हैं। उसका मतलब ये भी नहीं कि जो अच्छी तरह जप करेंगे उनको सबको भगवान उठा लेंगे, ऐसा भी नहीं है, पर लाभ तो होता है। जिससे कई साधकों की बातें हमने सुनी है, अकस्मातों में उनकी रक्षा हुई, एक्सीडेंट आदि में उनका बचाव हो गया, ये भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज की प्रसन्नता का परिचायक है, जो गुरु मंत्र का जप करें। तीसरा है कृतिका नक्षत्र, उसके स्वामी है अग्निदेव। आपने देखा है अग्नि जलाते हम होली या तो वैसे भी आग जलाते हैं, तो अग्नि का एक स्वभाव है कि उसमें जो भी डालो वो जल जाता है, चाहे अच्छी चीज डालो या अशुद्ध चीज डालो, अग्नि सब जला देती है। दूसरी बात कि अग्नि ऊपर को उठती है। तीसरी बात कि अग्नि ऊपर को उठती है फिर विलीन हो जाती है, दिखती नहीं है। ऐसे ही जो जप करेगा तो कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव भी खुश होते हैं कि समर्थ बापू का दिया हुआ मंत्र जपता है, फिर उसकी स्थिति भी ऐसी होगी वो अपने क्षुद्र मैं को अग्नि की लपटों की तरह विलीन करने वाला बनेगा। न मैं, न मन, न इंद्रियां, उसको विलीन करने वाला हो, ये जप की महिमा है। और उसके अंदर का जो कुछ अशुद्ध विचार वो भी नष्ट हो, और शुद्ध भी, मैंने शुद्ध विचार किया, मेरे को अच्छे विचार आते हैं, ये भाव भी नष्ट हो जाए। तो ये जप करने का ये एक बड़ा भारी लाभ है। सुंदरकांड की कथा आपने सुनी है कि विभीषण जी जप करते थे राम नाम का, पूरी लंका जल गई, विभीषण का घर नहीं जला। क्यों नहीं जला? ये कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव जापक के साथ हो जाते हैं। जहाज जा रहा था और साइड के विंग्स में आग लगी, और अपनी एक शादी का बहन जहाज में बैठी थी, और उसने बापूजी की तस्वीर अपने दिल से लगाकर प्रार्थना की और वहां आग बुझ गई। जहाज मिलिट्री के एयरपोर्ट पे उतरा और सब यात्री बाहर आ गए। तो ये जप करने वाली बहन अंदर बैठी थी, कृतिका नक्षत्र के स्वामी पवित्रता तेजस्विता गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर जप करने वाले की बढ़ती जाती है। चौथा है रोहिणी नक्षत्र, उसके स्वामी हैं ब्रह्मा जी।
तो जो गुरु दीक्षा लेकर जप करते हैं तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कार्यों में सिद्धि दिलाते हैं। जो जप करता है ना, ब्रह्मा जी खुश होते हैं और उस जापक को उसके कार्यों में सिद्धि दिलाते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बहुत खुश होते हैं जो जप करता है। यही कारण है कि दृढ़ता से जप करने वाले साधकों के जीवन में देखा जाता है, किसी को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी तो मिल गई, और मिली तो उसमें उसकी पदोन्नति भी हुई, कर्जा था तो उतरा। ये कार्यों में सिद्धि है, व्यवहारिक कार्यों में भी सिद्धि और जप करने वाले की आध्यात्मिकता में भी सिद्धि उसको प्राप्त होती है, मन की चंचलता दूर होती है। एकाग्रता का फल जप नहीं है, जप का फल एकाग्रता है। कोई सोचते मेरा मन एकाग्र हो जाए फिर जप करूं तो मुझे अच्छा लगेगा, आप करते जाओ एकाग्र हो जाएगा। एकाग्रता का फल जप नहीं है, जप का फल एकाग्रता है। ये गुरु मंत्र की शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। पांचवा है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा के स्वामी चंद्रमा है, सौभाग्य को बढ़ाते हैं। कोई सुहागन देवी निष्ठापूर्वक जप करती है तो उसके सुहाग की रक्षा होती है। जितना लगन से प्रीति पूर्वक आप देखो, सुग्रीव था ना रामायण का, उसका सब कुछ उसके भाई ने छीन लिया, यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसने अपने महल में रख दी, भगा दिया उसको, सब कुछ छूट गया। पर सुग्रीव ने एक बड़ा काम किया, हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ा। परिणाम क्या आया, सब कुछ मिल गया। हनुमान जी कौन है, शिव जी के अवतार, और शिव जी कौन है, साक्षात विश्वास की मूर्ति है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। सब कुछ छिन जाए पर जिसका अपने आराध्य में विश्वास कभी नहीं छिनता, नहीं हटता, सुग्रीव की तरह उसको सब कुछ मिल जाता है, न चाहेगा तो भी मिलेगा। क्यों, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा सौभाग्य को बढ़ाते हैं, संकट का नाश करते हैं, क्योंकि देखते हैं कि समर्थ गुरु से दीक्षा लिया है। बापूजी से दीक्षा लेना बड़े सौभाग्य की बात है। जिन लोगों ने ली है, मैंने, आपने, जो भी हम लिए हुए भाई बहन यहाँ बैठे हैं, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे घोर कली काल में ऐसे भगवत स्वरूप गुरुदेव के मुख से हम लोग दीक्षा ले पाए और हम उनके नाम का जप कर पाते हैं 108 दाने की माला लेकर। इसलिए जप की महिमा गाते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान राम ने तो दंडक वन पवित्र किया, पर भगवान के नाम ने कईयों के मन को पवित्र कर दिया है। दीक्षा ली तो बड़ा भारी लाभ होता। फिर छठा है आर्द्रा नक्षत्र। उसके स्वामी है भगवान शिव जी, कल्याण स्वरूप। शिवमस्तु सर्व जगताम हित निरताम भवन्तु भूत गणाः, दोषां प्रयान्तु शांति सर्वत्र जना। दोष नष्ट हो जाए, दोषां प्रयान्तु शांति सर्वत्र जना सुखिनो भवन्तु। सब जगह जप करने वाला कहीं भी जाए, ऐसा नहीं घर में रहे तो ही सुखी, बाहर जाए तो दुखी। पार्वती जी ने शिव जी को पूछा कि कागभुषुंडी जी को लोमश ऋषि ने श्राप दे दिया कि चंडाल पक्षी हो जा, इतना गुस्सा किया, फिर भी
कागभुशुंडी जी को गुस्सा क्यों नहीं आया? शिव जी ने जवाब दिया, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, जो जप में सुमिरन में तल्लीन रहते हैं तो उनके ये मिट जाते हैं काम मद अभिमान क्रोध। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहीं जगत कहिसन करहीं विरोध। किससे विरोध करें? दूसरा हो तो विरोध करें, अपने आप से विरोध कैसा? तो आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी शिव जी, तो सातवां है पुनर्वसु नक्षत्र, उसके स्वामी है अदिति देव। अदिति देव माना देव माता अदिति, जैसे अदिति देवताओं की मां है, महान करुणा मूर्ति है। राक्षसों का जब जब उपद्रव हुआ तब तब माता अदिति ने देवों को पुष्ट किया, देवों को जन्म दिया और राक्षसों का प्रभाव नष्ट होकर देवताओं का प्रभाव बढ़ा है। तो जब कोई गुरु मंत्र दीक्षा लेकर जप करते हैं तो भीतर आसुरी वृत्तियां जोर नहीं कर पाती, ये पुनर्वसु नक्षत्र की स्वामी अदिति देव वो देवत्व बढ़ाएगी जप करने वाले में, दैवी सद्गुण बढ़ेंगे जप करने वाले के। आठवां पुष्य नक्षत्र, उसके स्वामी है बृहस्पति। नक्षत्रों में प्रमुख पुष्य नक्षत्र माना गया है और उसके स्वामी बृहस्पति। अगर पुष्य नक्षत्र में गुरु मंत्र का जप किया जाता है तो उसका विशेष फायदा, विशेष फल जीवन में देखने को मिलता है। नौवां है आश्लेषा नक्षत्र, इसके स्वामी सर्प देवता बताए गए। विषयों के विष से, अष्टावक्र जी ने कहा ना, ब्रह्म रामायण अगर किसी ने पढ़ी होगी तो पहली लाइन है, जो मोक्ष है तू चाहता विष सम विषय तजतातरे। ये जिन्होंने पढ़ा है हाथ ऊपर करो, ब्रह्म रामायण में मैंने भी पढ़ा, ठीक। जो मोक्ष है तू चाहता विष सम विषय तजतातरे। तो जो गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर जप करते हैं तो आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी सर्प देवता खुश हो जाते हैं और उस भक्त के हृदय में द्वेष रूपी विष नहीं रहता है। दसवां है मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र के स्वामी पितृ देवता है। जो गुरु मंत्र लेकर जप करते हैं उनके कुल में फिर उत्तम संतान जन्म लेकर आती है, क्योंकि पितृ खुश हो जाते हैं, पितर राजी हो जाते हैं। और उनके घर में अच्छी संतान आएगी। पितृ दोष अगर होगा तो जप करते रहने से वो भी मिट जाता है अपने आप। फिर ग्यारहवां है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उसके स्वामी है भग देवता। कुशलता कार्यों में उस व्यक्ति की बढ़ती है जो जप करता है। भग देवता कुशलता और मांगल्य देने वाले, अमंगलों को दूर करने वाले, अनिष्टों को काटने वाले हैं भग देवता, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। कितनी महिमा है बताओ, अभी तो 11 के नाम बताए आपको, 27 है। गुरु मंत्र लेना कितना बड़ा काम है और कितना सरल। हवन करना हो तो सामग्री लाओ, समिधा लाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, फिर लकड़ियों में कीड़े हो तो उसका पाप न लगे वो ध्यान रखना पड़े, पर जप यज्ञ में कोई चिंता नहीं, कोई हिंसा नहीं। अहिंसात्मक यज्ञ है गुरु मंत्र का जप यज्ञ। खरगोश के सिर पर भले सींग उगाए, कछुए की पीठ पर बाल उगाएं, सूर्य बर्फ का गोला बन जाए
और चंद्रमा आग का गोला बन जाए, असंभव है पर हो सकता है, हो जाए। पर भक्ति के बिना कोई सुख पा ही नहीं सकता। तो 12वां नक्षत्र 11 सुन गए, 12वां है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इसके स्वामी है अर्यमा देव। ये देवता मन की पवित्रता प्रदान करते। मन में बुरे विचार आते ना कई बार, गलत गंदे, हम नहीं चाहें ऐसे विचार, वो अर्यमा देव दूर करके पवित्रता प्रदान करते हैं। तो गुरु मंत्र का जप जो करते हैं प्रीति पूर्वक, ऐसे कई साधकों को मैंने देखा है, घर में रहते हैं पर पवित्रता की साक्षात मूर्ति है, पवित्र भावों की साक्षात मूर्ति है। मन संबंधी तप जो गीता में भगवान ने बताया वो उनके द्वारा सहज में होता है, मन के भावों की शुद्धि। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी अर्यमा देव। फिर 13वां हस्त नक्षत्र, उसके स्वामी है सूर्य भगवान। जप करने वाले पर सूर्य नारायण भी खुश होते हैं और उस भक्त की बुद्धि को, उसकी जैसे सूर्य नारायण बोलते हैं नेत्र ज्योति के देवता भी हैं, तो उसकी आंख पवित्र होती है, द्वैत विदा लेता है, अद्वैत बस जाता है। हस्त नक्षत्र 13वां, उसके स्वामी खुश हो जाते हैं। और सूर्य नारायण तो स्वयं एक महान गुरु भक्त हैं। अगर कोई साधक गुरु मंत्र का जप इस भाव से करे कि मेरे गुरु में भक्ति बढ़े, तो सूर्य भगवान खुश होंगे हस्त नक्षत्र के स्वामी। और किसी दिन रविवार हो सूर्य नारायण का वार और उस दिन हस्त नक्षत्र हो, जप करें तो निश्चित रूप से उसकी गुरु में भक्ति पक्की हो जाएगी। और गुरु में भक्ति पक्की है तो आप देखो, यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद में बहुत ऊंचा ज्ञान दिया है, और उसकी जब पूर्णाहुति होती है श्वेताश्वतर उपनिषद की, तो उसके अंत में आता है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। जैसी भक्ति ईश्वर में वैसी जिसकी अपने गुरुदेव में होती है, वो भक्त इस उपनिषद में बताए हुए रहस्य का अनुभव कर पाएगा। चौदहवां नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, उसके स्वामी है त्वष्टा, त्वष्टा देव। ये वर्षा वर्षाने वाले देव हैं। समझो किसी इलाके में बरसात नहीं हो रही है और वहां अगर गुरु भक्त, महाराष्ट्र में लोहा शहर का नाम है लोहा, तो लोहा के पास एक गांव में बारिश के दिनों में, 3-4 साल पहले की बात है, बारिश नहीं हो रही थी, सूखा अकाल की स्थिति होगी ऐसा लग रहा था। साधकों ने मिलकर सामूहिक जप किए और श्री आशा रामायण के पाठ किए। तो चित्रा नक्षत्र के स्वामी त्वष्टा, बरसात बरसाने वाले, प्रसन्न हुए। 2.5 दिन तक पाठ चला, 2.5 दिन तक बरसात होती रही। तो ये बातें सिद्ध करती है कि 108 दाने की माला लेकर जो जप करता है उस पर ये सभी 27 नक्षत्र और उनके स्वामी ये सब खुश हो जाते हैं। फिर 15वां है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र के स्वामी वायुदेव हैं। जो गुरु मंत्र का जप करेंगे, वायु जैसे असंग है, कहीं चिपकती नहीं। ऐसा नहीं कि फूलों की वाड़ी हो तो हवा उधर रुक जाती है, ऐसा है क्या? निकल जाती है। ऐसे ही जो गुरु मंत्र का जप करेंगे वो वायु की तरह असंग होने में अपने को सक्षम कर पाएंगे। किसी में आसक्त नहीं।
असंग जीवन जीने की प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होगी गुरु मंत्र के जप से। 16वां है विशाखा नक्षत्र, उसके स्वामी इंद्राग्नि। इंद्राग्नि समझो, किसी को उसके शत्रु बहुत परेशान करते हैं, पर जो जप में पक्का होगा तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी। इसका तेज बढ़ेगा जप करने वाले का, शत्रुओं का जोर कम हो जाएगा। तो विशाखा नक्षत्र के स्वामी इंद्राग्नि है, शत्रुओं पर विजय दिला देते हैं जापक को, उनकी दाल नहीं गलती। और तेज बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा गुरु मंत्र जपने वाले का। 17वां है अनुराधा नक्षत्र, इसके स्वामी है मित्र। अनुराधा नक्षत्र के सबको मित्रवत मदद करते हैं, जो भी जप करता है। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा कि गुरु की दीक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है। देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर् न च सद्गति, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणाम दीक्षितो भवेत्। सब प्रकार के प्रयत्न से गुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए। अठारवां है ज्येष्ठा नक्षत्र, इसके स्वामी है इंद्र देवता। सुख संपत्ति की वृद्धि कर देते हैं। यही कारण है कि कई जापकों के जीवन में कर्जे की निवृत्ति हो गई। पहले कर्जे के भार से दबे थे, वो उतर गया। ये कईयों का अनुभव है। 19वां है मूल नक्षत्र, और मूल नक्षत्र के स्वामी, आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर, मूल नक्षत्र के स्वामी राक्षस है। राक्षस, यही कारण जो बच्चे मूल नक्षत्र में जन्मते हैं उनकी विधि करानी पड़ती है जानकारों से। पर आप देखो, तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में जन्मे, उनकी कोई विधि नहीं कराई गई, कितने बड़े संत हो गए। महाराष्ट्र के एकनाथ मूल नक्षत्र में जन्मे, कोई विधि नहीं गई, कितने बड़े संत हो गए। क्यों? कि तुलसीदास जी के गुरु नरहरि महाराज, गुरु में भक्ति गजब की थी। एकनाथ जी के गुरु जनार्दन स्वामी, गुरु भक्ति गजब की थी। तो मूल नक्षत्र में जन्म हुआ और मूल नक्षत्र के स्वामी राक्षस हैं, फिर भी कितने बड़े संत हो गए, केवल गुरु दीक्षा गुरु भक्ति के प्रभाव से। तो अगर कोई जप करता है तो मूल नक्षत्र के स्वामी राक्षस भी खुश हो जाते हैं। जैसे केतु राहु, ये जप करने वाले पे खुश होते हैं। 21वां है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उसके स्वामी विश्वे देवता। जैसे श्राद्ध के आरंभ में सबसे पहले विश्वे देवता का पूजन किया जाता है, तो जिसने गुरु दीक्षा लेकर जप शुरू कर दिया उस पर ये विश्वे देवता भी खुश हो जाते, पितृगण राजी हो जाते हैं, बड़ा भारी लाभ होता है। जैसे जिसको दूषित विचार ज्यादा आते हो तो वेद की प्रार्थना की जाती है ना, ओम विश्वानि देवा, ये बोलते हैं ना, ओम विश्वानि देवा सवित दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा। दुरित दूर हो, दुरित भावनाएं, मैली भावनाएं, मैले विचार दूर हो। ओम विश्वानि देवा, हे विश्वे देवता, मेरे मन की दुरित भावनाएं, बुरे विचार दूर हो जाएं। सवितर दुरितानि परासुव, दूर हो। और यद भद्रम, जो कुछ अच्छा है, पवित्र विचार, यद भद्रम तन्न आसुव, मुझे प्राप्त हो। और उसमें भी जो चोटी रखते हैं, अगर भाई लोग शिखा रखते हैं, तो वो लोग अगर रोज 3 बार, एक बार ये मंत्र बोला चोटी बांधी गांठ लगाई, दूसरी बार बोला दूसरी गांठ लगाई, तीसरी बार बोला तीसरी गांठ लगाई, तो उनको विशेष फायदा होता। ओम विश्वानि देवा सवित दुरितानि परासुवा,
और फिर गुरु मंत्र का जप करने बैठे, तो गुरुदेव की शक्ति, गुरु मंत्र की शक्ति, वो अपना प्रभाव दिखाएगी। 22वां श्रवण नक्षत्र है, उसके स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं, और विष्णु भगवान को खुद को जप अच्छा लगता है। श्रवण नक्षत्र जप करने वाले पर विष्णु भगवान राजी होते हैं, और वो राजी हो तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगल होता है, अमंगल दूर होता है। 23वां धनिष्ठा नक्षत्र, उसके स्वामी है वसु, अग्नि का एक स्वरूप है वसु, दोषों को नष्ट करने वाले, जप करने वाले के दोष नष्ट हो, दोष नष्ट हो तो दुख भी नष्ट हो। धनिष्ठा के वसु जप करने वाले पर खुश होते हैं। 24वां है शततार का, इसके स्वामी वरुण है, सागर के अधिष्ठाता देव वरुण, वे प्रसन्न होते हैं। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुखासनाय सुपाशहस्ताय जखासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते, प्रसन्न होते हैं। और वो जापक भवसागर से पार हो जाए। 25वां पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी अजपाद हैं, यज्ञ संबंधी देव माने गए हैं, अपने जीवन को यज्ञमय बनाने की प्रेरणा और बल प्राप्त हो। जैसे पृथ्वी के द्वारा यज्ञ हो रहा है, हम सबको धारण किए बैठी हैं, जल के द्वारा यज्ञ हो रहा है, पांच भूतों के द्वारा यज्ञ हो रहा है, तो पांच भूतों से बना हुआ शरीर, उसके द्वारा भी यज्ञ हो। गुरु मंत्र की कितनी महिमा गाएं। 26वां है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इसके स्वामी अहिर्बुदन्य, शिवजी का ही ये रूप है, इसमें आत्मरक्षा की प्राप्ति होती है। उस साधक की, भक्त की कहीं भी जाए, उसके चारों तरफ एक रक्षा कवच बना रहेगा गुरु मंत्र के प्रभाव से। और 27वां रेवती नक्षत्र, उसके स्वामी पूषा देव है, मतलब हर कार्य को निर्विघ्न संपन्न करते हैं जो जप करे। रेवती नक्षत्र, स्वामी पूषा देव। अब आप सोचो 27 नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी हैं, कुल 108 चरणों के स्वामी हैं, और 108 दाने की माला लेकर जप करें तो ये सभी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और भक्त को लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए जप जरूर करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिले।